हम लोग बात कर ले एलविश यादव के बारे में। तो क्या एलविश यादव आयरलैंड जा रहे हैं? सो हे गाइस, धनवंत न्यूज़ है। तो आज की वीडियो में काफी सारी अपडेट्स है पूरी यूट्यूब कम्युनिटी से रिलेटेड, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखे तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नाउ हम लोग बात कर रहे हैं टेक चैंपियन सपोर्ट के बारे में। दरअसल कल उन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने अपने मार्च की अर्निंग दिखा दी। अभी हमारा चैनल है, अच्छा खासा चल रहा है और देखिए सब्सक्राइबर 6,61,000 हो चुके हैं। और आप लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर ऑनलाइन पैसा कमा रहा है। देखिए ये देखिए लास्ट 28 डेज की अर्निंग जो है आप देख सकते हैं 4,80,000 रुपए। चलिए मैं इसको अभी रिप्रेस करता हूं, इस महीने मैंने कितना कमाया। चलिए इस महीने में बात करता हूं मार्च महीने की। मार्च महीने में देखिए सिर्फ मार्च महीने की मैं आपको अर्निंग दिखाता हूं कितना है, 4,57,000 करीब 5 लाख रुपए। ये कैसे कमाए गए? ये वीडियो बना के, टाइम पास करके नहीं। फोन मैं भी चलाता हूं, गाने भी सुनता हूं, सब कुछ करता हूं, यूट्यूब भी चलाता हूं, इंस्टाग्राम भी चलाता हूं, फेसबुक भी चलाता हूं, लेकिन मैं इस इंटरनेट से पैसा कमाता हूं। ना हम लोग बात कर ले जियो सिनेमा ऐप के बारे में। तो जैसे कि आपको पता होगा कि इस पर आईपीएल जियो सिनेमा ऐप पे आ रहा है, तो इससे काफी सारे लोग ना खुश हैं। जैसे इस पर लक्ष्य चौधरी कहे, जियो सिनेमा ऐप इज जस्ट ए पीस ऑफ गार्बेज फुल ऑफ बग्स क्रैशेज एंड रिपीटिंग सेम बॉल ट्विस्ट टू मेनी टाइम्स। और भी काफी सारे लोगों ने ट्वीट किया कि जियो सिनेमा ऐप ढंग से नहीं चल रहा। बाकी इस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ना हम लोग बात कर ले मैक्सटन के बारे में। तो क्या मैक्सटन शादी कर रहे हैं? दरअसल उन्होंने कल एक ट्वीट करते हुए लिखा, आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ। तो पता नहीं ये मजाक है या सच में वो शादी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ना हम लोग बात कर रहे हैं टोटल गेमिंग के बारे में। तो कल टोटल गेमिंग ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा, बोला था ना गुजरात जीतेगा, सब फिक्स्ड होता है पहले से ही। जिसके नीचे उन्होंने एक और फिर से ट्वीट करते हुए बताया, सॉरी दोस्तों ये ट्वीट मेरे दोस्त ने कर दिया था फोन लेकर, पता नहीं इसको आईपीएल फिक्स क्यों लगता है। बाकी इस पर आपका क्या कहना है, आईपीएल फिक्स होता है नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ना हम लोग बात कर ले मनोज दे के बारे में। तो मनोज दे ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई जिसमें उन्होंने बताया कि यूट्यूब का एक नया अपडेट आ रहा है जिसमें आपको मोनेटाइजेशन के लिए 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर नहीं कंप्लीट करने होंगे। दोस्तों आप सबको पता होगा यूट्यूब का पहले रूल था कि आपको कोई सब्सक्राइबर वॉच टाइम वगैरह की जरूरत नहीं था। आपने आज चैनल बनाया आज ही मोनेटाइज हो जाता था फर्स्ट डे से, और फर्स्ट डे से एड आना शुरू हो जाता था, पैसा भी मिलना शुरू हो जाता था। बट यूट्यूब ने अभी नया रूल लाया था कि 4000 घंटा करो, 1000 सब्सक्राइबर करो, 10 मिलियन शॉर्ट्स पे व्यूज करो, कुछ भी करो, मतलब क्राइटेरिया है उसको पूरा करो तो चैनल मोनेटाइज होगा। बट दोस्तों मैं बता दूं आज के डेट पे यूट्यूब पे एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। अब आपको ना वॉच टाइम चाहिए, ना सब्सक्राइबर चाहिए, ना कुछ नहीं, सब जीरो होने से भी आपका मोनेटाइज हो जाएगा। बट इसके लिए आपको एक सेटिंग करना होगा आपके चैनल पर जो कि यूट्यूब ने बताया है, तो उसके बारे में अभी मैं डिटेल में वीडियो डाल रहा हूँ। इनू जो है वीडियो एडिट कर रहा है, तो जल्द आपको जो है पता चल, बने रहे वीडियो पे, जल्द आप लोग को पता चल जाएगा। वीडियो देखना अभी जस्ट आ रहा है, वीडियो 2 से 3 घंटे के अंदर में वीडियो आ जाएगा। हम लोग बात करें रियल लिट और परमीश वर्मा के बारे में। तो क्या परमीश वर्मा का रियल लिट के चैनल पर एक पॉडकास्ट आने वाला है? तो दरअसल रियल लिट की टीम ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि उनके चैनल पर जल्दी परमीश वर्मा का पॉडकास्ट आने वाला है। ना हम लोग बात कर रहे हैं लक्ष्य अर्चित के बारे में। तो जैसे कि आपको पता होगा कि उन्होंने एक न्यू कार ली है जिस पर हेटर ने चाबी मारकर स्क्रैच डाल दिया, तो जिसके बाद लक्ष्य अर्चित काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो आज के ब्लॉग में अपने कुछ ये कहे, अगर लोगों से नहीं सहन होती ना तो मत करा करो तुम लोग बेफालतू में यार गाड़ी पे। जनरल एक चीज बताऊँ, कल मैं गाड़ी की सर्विस करा के ले गया, पहली सर्विस थी, अच्छी खासी धुलवा के घर पे खड़ी करी, और भाई शाम को जब मैं वापस आया ना रात को, तो भाई स्क्रैच मार रखे भाई किसी ने। भाई इंटेंशनली ये गेट पे आके मार दिया यार। जनरली ना मेरा मतलब मूड बिल्कुल भी सही नहीं यार, नई नई गाड़ी है, किसी ने खाम बखा मार दिया। क्योंकि कल मैं अच्छी खासी इसको लेके आया, बिल्कुल साफ सुथरी गाड़ी है, मैं तो खुश था, इसको लाके घर के पास खड़ी करी, मैं रात को आया तो मैंने देखा कि भाई स्क्रैच मार। ना हम लोग बात कर ले एलविश यादव के बारे में। तो क्या एलविश यादव आयरलैंड जा रहे हैं? आज के व्लॉग में उन्होंने बताया कि वो जल्दी आयरलैंड जा सकते हैं। भाई आयरलैंड अपना भाई है गुरबीत हरियाणा, व्लॉग्स देखे होंगे आपने भाई के, भाई व्लॉग्स बनाते थे, अब थोड़ा कुछ दिक्कत की वजह से व्लॉग दोबारा कंटिन्यू करेंगे। तो भाई से कल ही बात हुई थी मेरी, मगर भैया आयरलैंड का वीज़ा लगवा रहा हूँ, तो मेरे जितने भाई भी आयरलैंड रह हुए हैं, आई एम कमिंग टू योर कंट्री योर सिटी। 3-4 दिन में वीज़ा लगवा लूँगा और फिर एक बार होके आता हूँ, 10 दिन के लिए तो होके आता हूँ बाहर का, दूसरी कंट्री देखें कैसी है, यूरोप साइड जाएंगे थोड़ा। आयरलैंड आई एम कमिंग सुपर सून अभी। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतने, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते जल्दी किसी नई वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।